हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो आगे का टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में हम लोग देख रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश। इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली अगर हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन जानेंगे तो ये ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, मतलब एक ऑप्शन चलाने पर दूसरा ऑप्शन काम करेगा। तो देखिए, अभी हमारे सामने जैसा खुला हुआ है इधर के, देखिए कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो हाईलाइट इसीलिए नहीं हो रहे हैं बेसिकली कि ये सब इनसे रिलेटेड हैं। तो जब हम इनके बारे में जानेंगे तो वन बाय वन इनके बारे में भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग एनवलप्स के साथ। तो क्रिएट में हमारे सामने देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक एनवलप का है और एक लेबल का है। मेलिंग, जैसा इसका नाम आप देख रहे हैं तो नाम है मेलिंग, यानी कि जब भी हमें कुछ मेल करना हो या कुछ लेटर ड्राफ्टिंग करनी हो तो उसकी सेटिंग्स अगर हम देखना चाहें या उसको समझना चाहें तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। तो जब भी हम लोग एनवलप बनाते हैं या एनवलप देखते हैं तो उसका कुछ साइज़ होता है, उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सारी सेटिंग्स अगर हम वर्ड पे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो ये है हमारा एनवलप का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए एनवलप का ऑप्शन आ जाएगा। हमने एनवलप ऑन किया है तो हमें एनवलप और लेबल दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर भी इन दोनों ऑप्शंस को देख पा रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि एनवलप एंड लेबल, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन हैं। तो एनवलप का ऑप्शन में सबसे पहला आता है डिलीवरी एड्रेस। जब भी हम लोग एनवलप देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके का प्रीव्यू आ रहा है। हमारे समझ से एनवलप जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा ही कुछ हमें भी सामने भी देखने को मिलता है, तो उसकी सेटिंग्स अगर हम समझें तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस यानी कि हम जिस एड्रेस पर अपना एनवलप या अपना लेटर डिलीवर करना चाहते हैं। एनवलप होगा तो एनवलप के अंदर लेटर रखा होगा हमने, तो उस लेटर का जो कवर पेज होगा वो एनवलप के रूप में जाना जाता है, जिस पे हम लोग एड्रेस वगैरह मेंटेन करते हैं। तो जो डिलीवरी एड्रेस हमारा है, यानी कि जहाँ पर हमको वो एनवलप भेजना है, उस एड्रेस को हमें यहाँ पर देना होगा। तो हमने कहा जो एड्रेस हमें भेजना है वो भेजना है 15 इंदिरा नगर लखनऊ, इस जगह पर हमको भेजना है। तो ये हमारा डिलीवरी एड्रेस हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस यानी कि जहाँ से भेजा जा रहा है, और अगर हम भेज रहे हैं इन केस ऑफ जहाँ पर हम डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पर अगर नहीं पहुँच पाता है तो किस एड्रेस पे हमें वापस मिल जाएगा, वो होता है हमारा रिटर्न एड्रेस। मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया, यानी कि हम अपने संस्था से कोई लेटर भेज रहे हैं और अगर वो उस जगह पर नहीं पहुँचे तो किस जगह पर वापस आ जाए, वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अभी हम इसकी और सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। पहले इतना देख करके हमने जैसे दो एड्रेसेस लिखे, एक डिलीवरी एड्रेस और एक रिटर्न एड्रेस। इस पे आकर के जैसे ही हमने ऐड टू डॉक्यूमेंट किया तो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस, यानी कि ये जो रिटर्न एड्रेस हमने टाइप कर दिया है, हम चाहते हैं हर बार यही एड्रेस लिखा रहे। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो इसको यस कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको नो करा दीजिए। तो हमने फ़िलहाल इसको यस कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा रिटर्न एड्रेस है और ये हमारा जिस जगह पर हमको भेजना है वो एड्रेस यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसकी सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी इसकी और भी सेटिंग्स हैं, इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो एनवलप के ऑप्शन पे वापस आते हैं। तो देखिए, अब मेरा ये एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। चेंज डॉक्यूमेंट यानी कि अगर हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज करके फिर से कुछ देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सी ब्लॉक इंदिरा नगर लखनऊ चेंज डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए, यहाँ पर ये चेंज हो गया और यहाँ पर अपडेट हो गया। तो ये हमारा एनवलप का ऑप्शन है। इसी एनवलप में अगर हम दोबारा आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ कुछ ऑप्शन नीचे को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा ये एनवलप डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हम ने अभी जैसे प्रीव्यू देखा है तो जैसे हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। चेंज डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी बताया ही है। उसके बाद आता है ऑप्शन
इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर प्रिंटिंग ऑप्शंस भी हमें अवेलेबल मिल रहे हैं और एनवेलप ऑप्शन भी अवेलेबल मिल रहे हैं। एनवेलप का जो साइज़ पीछे अगर हम लोग देखें तो ये साइज़ हमें दिख रहा है। अगर हम इसके साइज़ में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसके साइज़ में चेंजेस करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कर दिया साइज़ 9, ओके, और चेंज डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए एनवेलप के साइज़ में चेंजेस हो गए। तो एनवेलप के ऑप्शन में जा कर के हम एनवेलप के साइज़ में चेंज कर सकते हैं। अगर इसके फॉन्ट में कोई चेंज करना चाहें, मतलब जो डिलीवरी एड्रेस हमने चढ़ाया है अगर उसके फॉन्ट में कोई चेंजेस करने हैं तो फॉन्ट के ऑप्शन पर आ जाते हैं। और फॉन्ट के ऑप्शन में आने के बाद हमने यहाँ पर इसमें से कोई भी जो फॉन्ट हमें चूज़ करना है वो चूज़ कर लिया, साइज़ अपने हिसाब से चेंज करा लिया और ओके कर दिया। बाकी फॉन्ट की सेटिंग्स हमने सारी सीखी हैं, आप इसमें से जो अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर लीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए पीछे हमें यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, ओके कर देते हैं फिलहाल। तो ये देखिए पीछे चेंज हो गया। हम चेंज डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं भी करेंगे तब भी देखिए हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वापस ऑप्शन पे आ जाते हैं तो अगर हमें नॉर्मल करना है या नहीं चाहिए हमें तो हम फिर से चेंज करा सकते हैं। तो ये हमारा डिलीवरी एड्रेस से रिलेटेड है। फिर ऑप्शन है यहाँ पर फ्रॉम लेफ़्ट और फ्रॉम टॉप, मतलब कितना दूरी आए लेफ़्ट साइड से और कितना दूरी आए टॉप से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके टॉप पोजीशन और लेफ़्ट पोजीशन चेंज करा सकते हैं। ओके किया, देन चेंज डॉक्यूमेंट। देखिए टॉप की पोजीशन और लेफ़्ट की पोजीशन चेंज हो गई। इसी तरीके से एनवेलप के ऑप्शन में अगर हम दोबारा आते हैं तो रिटर्न एड्रेस जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें अगर हमें कोई चेंज करना है तो उस पर आ जाते हैं। फॉन्ट के ऑप्शन पर, फॉन्ट के ऑप्शन में हमने ये फॉन्ट लगा दिया, ये फॉन्ट लगा दिया और ओके कर दिया, देन प्रेस ओके और चेंज डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ का एड्रेस चेंज हो गया और यहाँ का एड्रेस का अलग फॉन्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन में जाकर के उनकी फॉन्ट सेटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे आए, टॉप से कितने डिस्टेंस पे आए, ये सारी चीज सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी सेटिंग अगर हम देखें तो इसका प्रीव्यू हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, हम प्रीव्यू में देख करके भी ओके कर सकते हैं या अगर हमने कोई मार्जिन या स्पेसिफिक चीज़ें फिक्स कर रखी हैं हमको उन पे ही काम कराना है तो हम यहाँ से भी उसको देख कर ओके करा सकते हैं। ओके करा देते हैं और इसको अभी हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। तो ये देखिए मेरा एनवेलप आ गया है। दोबारा एनवेलप के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें ऑप्शन में खोलें तो मिल रहा है यहाँ पर प्रिंटिंग ऑप्शन। प्रिंटिंग ऑप्शन जब हम लोग लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो एनवेलप किस फॉर्म में प्रिंट होगा ये देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। जब हम लोग पेपर लगाएंगे तो पेपर के इस पोर्शन पर आएगा, पेपर के सेंटर पोजीशन पे आए, पेपर के राइट पोजीशन पे आए। इस तरीके से एनवेलप के अलग अलग हमें यहाँ पर प्रीव्यूज देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जब हम प्रिंट करेंगे तो उसका फेस अपसाइड हो या कि फेस डाउन साइड हो। तो वो हम यहाँ पर इसकी सेटिंग दे करके इसको ओके कर देंगे तो हम इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो ये प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग्स थी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने लेबल का। लेबल के ऑप्शन पे आ जाते हैं। हम लेबल का ऑप्शन यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर क्लिक करके भी उस ऑप्शन को खोल सकते हैं। तो एनवेलप के ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने है लेबल का। लेबल का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आता है। लेबल्स बेसिकली अगर आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे स्टिकर्स होते हैं या नेम स्लिप्स होती हैं वैसा कुछ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है यूज़ रिटर्न एड्रेस। यहाँ पर लेबल पर देखिए एक एड्रेस अगर हमने इसको ऑन नहीं किया था तो हमने जो एड्रेस यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस में डाला था वो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि यही एड्रेस ना आ करके जो एड्रेस हमने रिटर्न एड्रेस में डाला है वो आ जाए तो यूज़ रिटर्न एड्रेस ऑन कर लीजिए तो वो एड्रेस आपके सामने लिखा होगा। हालांकि आप इसको हटा करके कुछ और भी देना चाहते हैं तो वो नाम भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन चलता है लेबल का। लेबल में यहाँ पर ऑप्शन आता है फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, यानी कि आपने जो चीज़ लिखी है वो चीज़ पूरे पेज पर आ जाएगी। यानी कि अभी हमने इस पर क्लिक किया तो इसमें अगर हम लोग नीचे के ऑप्शन पे आए तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट। तो डायरेक्टली अगर हमें प्रिंट करना होगा तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अभी जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए हमने जो लिखा था ये देखिए इस तरीके से वो चीज़ हमारे पेज पर इस तरीके से छोटे छोटे पार्टीशंस के लेबल बन गए हैं। आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, कट कर सकते हैं और उसके बाद इस पर आप अपने जैसा चाहे वहाँ पर इसको प्लेस करा सकते हैं।
इस ये जब हम लोग करते हैं लेबल का ऑप्शन, तो इसकी एक नई फाइल क्रिएट होती है। तो देखिए यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो लेबल ये एक था और लेबल फाइल के 5 के नाम से एक ये फाइल आ गई है। हम लोग जो काम कर रहे थे वो इस फाइल पर था, लेकिन जब लेबल जनरेट हुए तो उसकी एक नई फाइल आ गई और वो फाइल हमें नीचे देखने को मिल रही है। तो हम लोग वापस अपनी फाइल पर आ गए, लेबल के ऑप्शन पर आ गए। हमने यहाँ से यूज़ कर लिया सिंगल लेबल। अभी हमने यूज़ किया था फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, यानी कि पूरा पेज जो हमारे सामने आया है खुल करके उसमें सेम लेबल आ रहे हैं पूरे पेज पर, ये देखिए, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिंगल लेबल आए तो उसके लिए यहीं पर ऑप्शन होता है सिंगल लेबल। सिंगल लेबल की सेटिंग आप कर सकते हैं कि कितनी रोज में डिवाइड हो, कितने कॉलम्स में डिवाइड हो, वो आपने दे दिया। हमने कहा 3 कॉलम्स और 4 रो में डिवाइड हो जाए। और इसमें जब हम लोग लगाते हैं तो इसमें डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन होता है, ना कि न्यू डॉक्यूमेंट का। तो हम लोग जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमें प्रिंट प्रीव्यू फॉर्म में दिखेगा, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर। इसका प्रीव्यू अवेलेबल नहीं हो रहा है फिलहाल। तो ये सिंगल लेबल इसी तरीके से काम करता है कि हम लोग उसको सिंगल लेबल यानी एक पेज पर एक ही देख पाएंगे अगर हम लोग सिंगल लेबल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शंस पर। जैसे हमने एनवलप के साइज़ सेट किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर लेबल के साइज़ भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी जो लगा हुआ था वो 30 पर पेज लगा हुआ था, यानी एक पेज पर 30 लेबल्स जनरेट हो जाएंगे। इसी तरीके से 1/2 लेटर अगर हम ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो देखिए इस तरीके से 1/2, ये देखिए आपका पेपर साइज़ एक ही पेज पर 2 लेबल्स आपको क्रिएट करके देगा। तो इस तरीके से आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं ऑप्शन में जा करके, और उनको प्रिंट करा सकते हैं, और अगर आप कुछ लिखना चाहें तो उसको लिख करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारा था एनवलप और ये हमारा था लेबल का ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया ऑप्शन की तरफ सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस फाइल को कर देते हैं बंद। तो हमने Ctrl+F4 की शॉर्टकट की प्रेस करी और ये जो तीनों फाइल्स मेरी खुल गई थी हमने इन तीनों फाइल्स को बंद कर दिया है Ctrl+F4 से। Alt+F4 हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें सॉफ्टवेयर बंद करना होता है, और जब हमें स्पेसिफिक फाइल को बंद करना होता है तो उसके लिए Ctrl+F4 का इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+N से एक नया पेज लेने के बाद हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज को ऑप्शन चलाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैटर ले लेना होगा। हम पेज पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ मैटर ले लेते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज का बेसिकली काम ये होता है कि जब भी हम लोग कुछ लेटर बनाते हैं या कुछ हम लोग फॉर्मेट्स एप्लीकेशंस या कुछ इस तरीके से रेडी करते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा बनाई हुई फ़ाइल हम लोग एक साथ 10 लोगों को भेज सकें, एक साथ 20 लोगों को भेज सकें, या जब हम प्रिंट कराएं तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है कि हम इस फाइल को अलग अलग नाम देते हुए 10 लोगों के नाम से प्रिंट करा सकते हैं, तो उसी के लिए हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन स्टार्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे जिनको हम लोग इसी ऑप्शंस के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमने ये एक फॉर्मेट रेडी कर लिया है। इस फॉर्मेट में हम ऊपर एंटर की प्रेस करके थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और हमने कर्सर वापस यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ये एक फॉर्मेट जो हमने रेडी किया है, हम इसको 5 लोगों को एक साथ भेजना चाहते हैं या 5 लोगों के नाम से प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है स्टार्ट मेल मर्ज। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप इसमें से जो इस्तेमाल करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी एनवलप और लेबल का ऑप्शन चूज़ किया। अगर हम कोई लेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम लेबल का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अगर हम कोई एनवलप बना रहे हैं तो हम एनवलप का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग ने जो फॉर्मेट रेडी किया है इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमने ये एक लेटर फॉर्मेट रेडी किया है। हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा ऑप्शन चूज़ हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो हमने यहाँ लेटर फॉर्मेट लगाने के बाद अगले ऑप्शन पर आ गए, सेलेक्ट रिसिपेंट्स। अगर हम इस पर आते हैं तो टाइप न्यू लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट और सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है।
अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो अगर हमारे पास कोई फाइल पहले से बनी होगी, तो एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से है, तो अगर फाइल आपके पास होगी तो वो यहाँ आपको दिखाई दे जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करके ओपन करा के उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो होगा टाइप न्यू लिस्ट का ऑप्शन। तो टाइप न्यू लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आ जाएगा मेरे सामने न्यू एड्रेस लिस्ट का ऑप्शन। न्यू एड्रेस लिस्ट में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को या बहुत सारी हेडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। ये प्री डिफाइन होते हैं, यानी कि ये सारे टाइटल्स हमारे पास बने होते हैं। अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कोई नया बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर न्यू एंट्री। सबसे पहले हम लोग कस्टमाइज कॉलम पढ़ लेते हैं। कस्टमाइज कॉलम में होता क्या है कि जितनी हेडिंग्स बनी है, ये टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर इसमें से आप कोई भी रखना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहें तो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट के थ्रू डिलीट कर सकते हैं और रीनेम से हम उसका नाम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये जिप कोड की ज़रूरत नहीं है, या हमको इसको रखना है लेकिन इसका नाम पिन कोड होना चाहिए, तो हमने इसको रीनेम कर दिया और यहाँ से कर दिया पिन कोड। ओके, तो देखिए जिप कोड का नाम बदल गया और हो गया पिन कोड, यानी कि रीनेम से हम लोग किसी का भी नाम बदल सकते हैं। और अगर हमें चाहिए ही नहीं, जैसे हम कंट्री नहीं चाहते हैं, तो डिलीट पूछेगा, श्योर हैं डिलीट करना है आपको, आपने कहा यस। तो इस तरीके से आपको जिसको जिसको नहीं चाहिए आप वो फील्ड्स डिलीट करा लीजिए। और हमें स्टेट चाहिए, सिटी चाहिए, एड्रेस लाइन चाहिए, टू नहीं चाहिए लेकिन वन चाहिए, जिसका नाम सिर्फ एड्रेस रखना है हमें, तो हमने यहाँ पर रख दिया एड्रेस। ओके, कंपनी नेम नहीं चाहिए, डिलीट, और लास्ट नेम नहीं चाहिए, और नेम को फर्स्ट नेम नहीं करके हमें सिर्फ नेम लिखना है, यानी कि हम पूरा नाम इसी में लिखेंगे, और टाइटल भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस लिस्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया है, जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड। अगर इसमें से अगर आपको कोई अप एंड डाउन करना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप स्टेट भी नहीं लेना चाहते हैं, तो आपने स्टेट को रीनेम कर दिया और यहाँ पर कर दिया फोन नंबर, डॉट नहीं लेगा यहाँ पर। ओके, ये तो नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर एंड पिन कोड, ये पांच हमने एड्रेस लिस्ट रेडी करी हैं, यानी कि हम जो मेल मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे उसमें ये पांचों हेडिंग के ऑप्शंस आ जाएं। इसको लेते हुए हमने कर दिया यहाँ से ओके। तो ये देखिए पांचों हेडिंग मेरे पास आ गई, नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन, पिन कोड। अभी स्क्रॉल नहीं आ रहा है क्योंकि पांच के अलावा मेरे पास और कोई हेडिंग नहीं है और वो पांचों यहाँ पर फिट हो गई हैं। तो नेम पर हमने यहाँ पर चढ़ा दिया कोई एक नाम, पिन कोड। तो ये एक रिकॉर्ड हमने चढ़ा लिया जिसको हमको ये फॉर्मेट या लेटर भेजना है। तो ये इनकी डिटेल्स हो गई। अगर हम ऐसे ही और लोगों को भेजना चाहते हैं तो न्यू एंट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, तो देखिए कर्सर नीचे आ, ये चार लोगों का रिकॉर्ड हो गया है और ये पांचवें पर्सन का रिकॉर्ड हमने यहाँ पर ले लिया।
तो ये इस तरीके से हमने 5 लोगों का रिकॉर्ड अपने पास चढ़ा लिया है। अगर कोई रिकॉर्ड गलत हो जाता है, हमें नहीं चाहिए, तो डिलीट एंट्री के थ्रू हम उस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर फाइंड करना चाहें तो किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें यशी का रिकॉर्ड फाइंड आउट कराना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यशी और फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए यशी के रिकॉर्ड पे डायरेक्टली हमें ले गया, तो फाइंड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, हम यहाँ से फाइंड करा सकते हैं। न्यू एंट्री से नई एंट्री के लिए यानी नए रिकॉर्ड के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, डिलीट से रिकॉर्ड हटा सकते हैं, और कस्टमाइज़ के ऑप्शन से हमने ये सारी हेडिंग्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया था। कोई नई बना सकते हैं, पुरानी वाली हटा सकते हैं, उसको हम कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये एक लिस्ट रेडी करने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमसे तुरंत कहेगा कि ये जो रिकॉर्ड हमने चढ़ाया है इसको हम सेव कर लें। तो इसको हमने कोई भी एक नाम दे दिया और इसको करा दिया हमने सेव के नाम से, इनपुट के नाम से सेव। तो ये देखिए, जब हमारा ये इनपुट के नाम से रिकॉर्ड सेव हो गए, फाइल नहीं सेव हुई है मेरी, जो रिकॉर्ड्स हमने चढ़ाए थे वो सेव हुए हैं। देखिए फाइल पर अभी भी डॉक्यूमेंट 1 दिखा रहा है। तो जो हमने रिकॉर्ड सेव किए थे वो हमारे इनपुट के नाम से सेव हो गए हैं, और उसके बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। तो एडिट, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, मर्ज फील्ड, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस मेरे सामने हाईलाइट हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अगर हम लोग आते हैं एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पर, तो जो हमने रिकॉर्ड चढ़ाया है, अगर हम इसमें से किसी का रिकॉर्ड नहीं चाहते, हम जैसे चाहते हैं ओम प्रकाश का रिकॉर्ड ना आए, तो हम हाइड कर सकते हैं यहाँ से उसको। वो रिकॉर्ड मेरे इस फाइल पर यानी जब हम इनपुट कराएंगे तब वो नहीं आएगा। यहाँ पर डेटा सोर्स शो कर रहा है, यानी कि जिस नाम से आपने फाइल सेव करी है, इनपुट के नाम से फाइल सेव करी है, जिसका एक्सटेंशन नेम लगाया है .mdb, यानी कि ये हमारी एक्सेस फाइल सेव हो गई है। तो ये हमें यहाँ पर शो करेगा, नेम हमें शो कर रहा है जो रिकॉर्ड पे हमने चढ़ाया था। हम इसको यहाँ से शो और हाइड करा सकते हैं। इस पर क्लिक करने से हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो देखिए इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आने लगा। तो ये हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी रिकॉर्ड पे जाना है तो हम डायरेक्टली जाकर के उसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, तो इनकी डिटेल्स हम यहाँ से एडिट करा सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो ये हमारा एडिट का ऑप्शन था, इसको हमने ओके किया। ओके करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है हाईलाइट मर्ज फील्ड। हाईलाइट मर्ज फील्ड का ऑप्शन तब चलेगा जब हमने अपनी फील्ड को अपने पेज पर इंसर्ट कराया होगा, यानी कि जब हमने रिकॉर्ड चढ़ाया था तो नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, एड्रेस, ये सारी जो हेडिंग्स हमने बनाई थी इनको हमको पेज पर लेना होगा। तो जो पेज है उस पर हमें टाइप नहीं करना है, हमें यहाँ पर आना है इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऑप्शन पर। इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऑप्शन पर आएंगे, देखिए वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर एंड पिन कोड। 1 by 1 हम इनको पेज पर ले लेंगे। नेम, उसके बाद एंटर की प्रेस करी, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर आए। एड्रेस, सेकेंड जो हेडिंग थी हमारी, नेक्स्ट एंटर की प्रेस करी और सिटी ले लिया। इसी तरीके से नीचे एंटर की करते गए और आगे की सारी हेडिंग्स हमने अपने पेज पर इंसर्ट करा ली। तो देखिए जब तक हमने हेडिंग इंसर्ट नहीं कराई थी तब तक हाईलाइट मर्ज फील्ड का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था। अब देखिए ये ऑप्शन ऑन हो गया है, यानी कि जो हमने हेडिंग्स बनाई हैं इनको हाईलाइट कराएगा। इस पर जब हम क्लिक करें तो ये देखिए इस तरीके से हेडिंग्स जो हमारी बनी हुई हैं उनको हाईलाइट कर रहा है। मैटर से इसका कोई मतलब नहीं है, अगर हम इसको हाइड कर देंगे तो मैटर हमारी हेडिंग्स हाईलाइट नहीं करेगा, अगर ऑन कर लेंगे तो हमारी सारी हेडिंग्स हाईलाइट करेगा। तो ये था इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन, जिसमें सारी हेडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, और उसी से रिलेटेड हमारा हाईलाइट मर्ज फील्ड का ऑप्शन है, जो हमारे लिए ऑप्शनल है। अगर हम अपना मैटर हाईलाइट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, और अगर नहीं कराना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक अगर हम लोग ऑन करते हैं तो यहाँ पर कई सारे एड्रेस ब्लॉक्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है अलीगंज लखनऊ, अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है यशी अलीगंज लखनऊ। इस तरीके से अलग अलग एड्रेस ब्लॉक्स दिए गए होंगे, आप इसमें से जो लेना चाहें। जैसे देखिए इसमें आ रहा है द यशी फैमिली अलीगंज लखनऊ। तो इस तरीके से जो एड्रेस ब्लॉक आप चूज़ करेंगे वो एड्रेस ब्लॉक आपके पेज पर लग जाएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो ओके कर लीजिए, तो ये देखिए इस तरीके से लगेगा द यशी फैमिली अलीगंज लखनऊ। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कंट्रोल जेड से बैक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक के थ्रू वो एड्रेस ब्लॉक्स ले सकते हैं। ग्रीटिंग लाइंस का ऑप्शन है, जिसमें जैसे हम लोग कुछ लेटर्स लिखते हैं तो हम लोग कुछ
इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डियर, टू, या फिर रिस्पेक्टफुली, इस तरीके से हमें इट टू होम इट मे कंसर्न, इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें से कुछ चाहते हैं तो वो ग्रीटिंग लाइन से ऐड करा सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था मेरा एड्रेस ब्लॉक का ऑप्शन, और नेक्स्ट ऑप्शन था ग्रीटिंग लाइन का। इसके साथ ही हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन पहले ही जान लिया। रूल्स के ऑप्शन पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ हमें रूल्स जानने को मिलते हैं, जिनके बारे में अगर हम खोलें तो वो हमें किस नाम से प्रोवाइड हो रहे हैं, उनका क्या कंपेयर कराना है अगर, तो वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड होता है। अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर हम रूल नहीं चाहते हैं तो इनको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए, प्रीव्यू रिजल्ट। इस पर क्लिक करें तो हमने जो हेडिंग इंसर्ट कराई थी, नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर और पिन कोड, तो उस एड्रेस के रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं। तो प्रीव्यू से उन हेडिंग्स के रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर हम प्रीव्यू बंद कर देंगे तो वो हेडिंग्स शो करेंगी जो हेडिंग्स हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड के थ्रू ली थी। तो ये प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन है, और हमने ऑन किया तो ये हमारा है प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो हम पहले रिकॉर्ड पर आ जाएंगे। ये वाले आइकन फर्स्ट रिकॉर्ड पर ले जाता है, और ये वाला आइकन हमें लास्ट रिकॉर्ड पर ले जाता है। तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड है हमारा वो ओम प्रकाश के नाम से है, और जो लास्ट रिकॉर्ड हमारा है वो यशी के नाम से है। और ऐसे ही, जैसे मान लीजिए हम पहले रिकॉर्ड पर हैं और दूसरे रिकॉर्ड पर जाना चाहते हैं, तो दूसरा रिकॉर्ड हमारा रीता के नाम से है, तो ये हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, यानी कि एक एक स्टेप आगे और पीछे ले जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड शिवानी के नाम से बना हुआ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड उमा के नाम से, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड यशी के नाम से। यानी टोटल हमने जो 5 रिकॉर्ड्स बनाए थे उनको हम वन बाय वन प्रीवियस और नेक्स्ट करके देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लास्ट और फर्स्ट के ऑप्शन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है फाइंड का ऑप्शन। हम लोग यहाँ से भी डेटा फाइंड करा सकते हैं, जैसे हमने आपको अभी पिछले ऑप्शन में बताया था कि हमें किसी का रिकॉर्ड चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और हमें ये फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए मेरा रिकॉर्ड पूरा यहाँ पर खुल करके आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो चेक फॉर एरर। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर हम करते हैं कि कोई एरर है तो उसको चेक करें, अदरवाइज़ हम यहाँ से दे सकते हैं कंप्लीट द मर्ज पॉजिंग द टू रिपोर्ट ईच एरर एज इट अकर्स। अगर हमने इसको लगा करके ओके कर दिया तो ये देखिए हमारे पास नीचे अब दो फाइलें आ गई, एक तो मेरी डॉक्यूमेंट वन वाली फ़ाइल जो इस पर हम लोग काम ही कर रहे थे, उसके बाद मेरे पास एक लेटर फॉर्मेट आ गया, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट मेल मर्ज शुरू किया था तो हम लोगों ने यहाँ से लेटर लगाया था, और जैसे ही हमने यहाँ से लेटर वाली फ़ाइल खोली तो ये देखिए मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें पहला रिकॉर्ड ओम प्रकाश का था, यानी कि एक फ़ाइल जनरेट हुई है पेज की जिसपे ओम प्रकाश की डिटेल्स हैं, दूसरी फ़ाइल यहाँ पर देखिए रीता के नाम से है, तीसरी फ़ाइल शिवानी के नाम से है, फोर्थ फाइल यानी फोर्थ पेज हमारा जो है वो उमा के नाम से है, और फिफ्थ पेज हमारा यशी के नाम से है। इसमें अगर हम पहली वाली फ़ाइल पर ध्यान दें तो देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज पर काम किया था, लेकिन जब हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया मेल मर्ज तो हमारे वही फॉर्मेट जो हमने एक पेज पर रेडी किया था वो अलग अलग 5 पेजों पर 5 लोगों की डिटेल्स के साथ हमें तैयार होकर के मिल गए। इससे हमारा बहुत टाइम बचता है, हमको एक ही लेटर को बार बार नहीं तैयार करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस हमें उन पर्संस की डिटेल्स अवेलेबल करानी है। और अब अगर हम इस फाइल का प्रिंट आउट करेंगे तो ये हमें अलग अलग 5 लोगों के नाम से प्रिंट आउट करके दे देगा। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम मैनुअल टाइपिंग करेंगे तो उसमें हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है, और हम इस तरीके से प्रॉपर डिटेल्स मेल मर्ज के थ्रू सारे सेक्शंस को या सारे पेजेस को अलग अलग प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी तो हमने आपको 5 पेज की फाइल के साथ एक एग्जांपल बताया था, मान लीजिए आपके पास 50 रिकॉर्ड हैं तब हमारे सोचिए कितना टाइम बचा, बस हमें रिकॉर्ड चढ़ाना है और उसको कंप्लीट करना है मेल मर्ज ऑप्शन, और उसके बाद हमारा 50 पेज पर इसी तरीके से रिकॉर्ड्स अलग अलग हमें यहाँ पर शो कराने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से पहला, दूसरा, फिर तीसरा रिकॉर्ड आ रहा है, फिर चौथा रिकॉर्ड आ रहा है और पांचवा रिकॉर्ड आ रहा है। ना हमने कॉपी पेस्ट किया, ना हमने कोई सेटिंग्स ऑन करी, बस मेल मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल किया और उससे हमारे इस तरीके से मेलिंग कंप्लीट हो गई। तो ये था हमारा मेलिंग का ऑप्शन, जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हुए ही ऑप्शन थे। तो इनको हमने वन बाय वन उनका काम सीखा और मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेटर को मेल मर्ज पे यूज़ किया।